प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक के तहत 2022-23 में मकान के लिए आवेदन करने वाले लोगों के प्रथम अंशदान 10% जमा करने के पश्चात सातवें चक्र की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें लोगों को अपने आवास प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराएदारी में निवास करने वाले लोगों को उनके अपने आवास देने का लक्ष्य मोर मकान मोर आस घटक के तहत रखा गया है। जिस कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में किराएदारी में निवास करने वाले लोगों के लिए जिन्होंने 2022-23 में मकान के लिए आवेदन किया था और जिन्होंने इसके कुल कीमत का 10% अंशदान जमा कर दिया था, उन सभी लोगों को लॉटरी के माध्यम से उनके आवास उपलब्ध कराए गए। यह प्रक्रिया नगर पालिक निगम भिलाई परिसर में पूर्ण की गई। इस प्रक्रिया में वे सभी लोग शामिल हुए जिन्होंने अपने खुद के आवास के लिए आवेदन लगाया था और 10% का अंशदान भी निगम भिलाई में जमा कर दिया था। निगम भिलाई द्वारा पूर्ण पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इस प्रक्रिया को लेकर विभागीय अधिकारी विद्याधर देवांगन ने न्यूज टीम को जानकारी उपलब्ध कराई है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो स्लम बस्तियों में किराएदारी के रूप में निवास कर रहे हैं उनको आवास आवंटन की लॉटरी, ये 2022 और 23 बैच के लोग जो राशि जमा कर चुके हैं उनको शामिल किया जा रहा है और उनको आवास अलाटमेंट किया जा रहा है। ये लमसम 3 से 3.5 लाख रुपए का अंशदान इनको देना है। पहले 10% राशि 30,000 रुपये जमा करने के पश्चात इनको लॉटरी में शामिल किया जाता है और लॉटरी के माध्यम से आवास अलाटमेंट किया जाता है। बाकी की किस्तों को 9 किस्तों में जमा करना है इनको, और ये चाहे तो बैंक से लोन लेके भी अपने आसान किस्तों में बैंक को EMI पटाएंगे और बैंक के माध्यम से निगम को जो बकाया राशि है वो जमा हो जाएगा और इनको अलॉटमेंट पेपर मिल जाएगा। इस सातवें चक्र की प्रक्रिया के तहत जिन लोगों को आवास मिले उनके चेहरे पर अपने खुद का आवास होने की खुशी साफ देखी जा रही थी। यह प्रक्रिया आगे भी चलेगी जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान पूर्णतः आवंटित नहीं हो जाते हैं। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।